हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में, जहां हम देते हैं आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर जरूरी खबर और रखते हैं आपको क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट। तो दोस्तों, आज की खबर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन का इफेक्ट अब इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट पर भी पहुँच गया है। पुलिस ने सीज्ड की हुई क्रिप्टो करेंसी सेल की है, लेकिन आरबीआई बैंकिंग बैन के कारण वे उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई के बैंकिंग बैन के कारण पुलिस जो है वो जब्त की गई क्रिप्टो करेंसीज को कैश नहीं करवा पा रही है। वहीं पिछले हफ्ते सेंट्रल बैंक ने मुंबई बेस्ड पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स के साथ पूरे इंडिया के 137 ब्रांचेस को उनकी सेविंग्स के एक्सेस करने से ब्लॉक कर दिया है। अब पुणे सिटी पुलिस डिपार्टमेंट 8.42 करोड़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जिसको उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से INR में कन्वर्ट किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इसको पिछले साल आकाश कांतिलाल संचेती से जब्त की गई थी, जो कि एक गेन बिटकॉइन पूंजी स्कीम चलाने के आरोपी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बुधवार की रिपोर्ट दी थी कि 244.0925 कॉइन सेल किए गए थे, जिसमें BTC का अनस्पेसिफाइड अमाउंट भी शामिल है। दोस्तों, अगर आपको गेन बिटकॉइन स्कैमर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, पुलिस ने जब्त किए कॉइन्स को सेल करने के लिए भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनएक्स को ऑपरेट करने वाली डिसीडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया है, और न्यूज़ आउटलेट ने बताया कि पैसा जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में फ्रीज है, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है और देश का सबसे पुराने और सबसे बड़ा बैंकों में से एक है। वहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर यानी सरकारी याचिकाकर्ता उज्ज्वल पवार ने बताया कि पुलिस की याचिका सेशन कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, और RBI ये दावा करते हुए कोर्ट के नोटिस को जवाब दिया कि उन्होंने ना तो डिसीडियम इंटरनेट लैब्स के अकाउंट को फ्रीज किया है और ना ही कमर्शियल बैंक को ऐसा करने का निर्देश दिया है। न्यूज़ आउटलेट के अकॉर्डिंग डिसीडियम इंटरनेट लैब्स ने सुप्रीम कोर्ट के RBI को दिए निर्देश कि वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उनके अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करने से पहले एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर की। वहीं दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि RBI ने पिछले साल 6 अप्रैल को एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें सभी बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को क्रिप्टो करेंसी में डील करने से रोक दिया गया था, और जिन सर्विसेज को बैन किया गया था उसमें अकाउंट्स मेंटेनिंग, ट्रेडिंग, सेटलिंग, क्लियरिंग, वर्चुअल टोकन के अगेंस्ट लोन देना, उनको कलेक्टरल के रूप में एक्सेप्ट करना, उनके साथ काम करने वाली एक्सचेंजों का खाता खोलना और वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड अकाउंट्स की लेन देन शामिल है। और इस बैन का असर जो है वो 3 महीने के बाद हुआ, जब बैंकों ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अकाउंट को बंद कर दिया, जिसमें से कई और दूसरों के साथ कॉइनएक्स को भी बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और एक्सचेंज ने जो है जून में अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज को परमानेंट क्लोज करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया था कि उनके बैंक अकाउंट यूजर फंड के साथ अभी फ्रीज हैं। कॉइनएक्स के CEO राहुल राज ने खुलासा किया कि हम लगातार पेमेंट गेटवे से पेमेंट सर्विसेज के लिए लगातार मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज किए जा रहे हैं, डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग के लिए ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रही हैं। आगे वे कहते हैं कि नॉन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जैसे सैलरी की पेमेंट, रेंट और इक्विपमेंट के खर्चे के लिए हमारे टीम मेंबर्स, सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर्स को अपने रिस्पेक्टिव बैंकों से क्वेश्चन के आंसर भी देने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज ऑपरेटर के साथ है। वहीं RBI को चुनौती देने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन फाइल की जा चुकी हैं, जिसका केस अभी भी चल रहा है। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने पर विचार कर रही है, और देश में क्रिप्टो पॉलिसी रिलेटेड केस की सुनवाई जो है वो विंटर सेशन के लिए टल गई है। तो दोस्तों, देखा आपने कि RBI के बैंकिंग बैन का असर देश में क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो ट्रेडर्स को ही नहीं पड़ा, बल्कि अब ये पुलिस डिपार्टमेंट तक भी पहुंच चुका है, जिसके कारण एक काफ़ी बड़े अमाउंट का एक्सेस नहीं किया जा रहा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या पुलिस RBI के क्रिप्टो बैंकिंग बैन के कारण फंड को एक्सेस नहीं कर पा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नजर।